हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर, अपनी जमीन, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज, जे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नीयत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए
बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रियाएं पूरी की। और अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वासियों ने जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की धन्यवाद रैली की जा रही है और साथ ही पीएम मोदी ने रैली को वो संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा रैली को संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका उत्साह देख रहा हूं और साथ ही साथ विविधता में एकता भारत की विशेषता है और इस सूत्र में अलग अलग धर्म इस देश के अंदर एक साथ एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा है। पिछली सरकारों ने ईमानदारी नहीं दिखाई जिस वजह से देश काफी पिछड़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की ये धन्यवाद रैली, ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, विविधता में एकता भारत की विशेषता है और इस खासियत की वजह से भारत की पहचान दुनिया भर में है। 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा इसके जरिए आया है। पिछली सरकारों ने ईमानदारी नहीं दिखाई, यहां बात दिल्ली की जा रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर के जो फैसला लिया गया और साथ ही साथ जो दूसरे बुनियादी चीजें हैं उनको लेकर के जो निर्णय लिए गए हैं
उनका यहां पर जिक्र किया गया है। और इसके जरिए उन्होंने कहा कि मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, क्योंकि दिल्ली और दूसरे अलग अलग जगहों से भी हालांकि कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन दिल्ली के लोग ज्यादा हैं। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि विविधता में एकता, ये हमारे देश की एक पहचान रही है। 40 लाख लोगों के जीवन में नए तरीके से एक नया सवेरा आया है, और इसको लेकर दरअसल पिछली सरकारों ने ईमानदारी नहीं दिखाई, और इसी वजह से सवाल पिछली सरकारों के ऊपर उठते रहे। लेकिन अब जब आगे विकास की गाथा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो उसमें कई चीजों को जोड़ना भी है, जिसमें से एक यहां इन बातों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। इस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान, जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं।
वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ।